नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जिसके स्टॉक ने बीते एक साल में 121% का रिटर्न दिया है और इसके साथ ही एक मल्टी बैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है। दोस्तों, एक साल पहले इस कंपनी का शेयर 52 रुपए का था, जो अब बढ़कर 115 रुपए का हो चुका है। कोरोना के बाद का अगर परफॉर्मेंस देखे तो पिछले 2 साल में इस कंपनी के शेयर की प्राइस में 505% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों, मतलब इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, आइए एक नजर डालेंगे आज डायनामिक केबल्स लिमिटेड के शेयर्स के बारे में। इस शेयर ने पिछले 6 महीनों में 34% का रिटर्न दिया है। हालांकि शेयर का 52 वीक का जो टॉप लेवल है वो 154 रुपए है और अपने टॉप लेवल से ये शेयर 34% तक करेक्ट हो चुका है, नीचे आ चुका है। पिछले 1 महीने में इसमें बुलिश सेंटिमेंट फिर से वापस आने की संभावना जताई जा रही है और अगर पिछले 1 महीने में चल रहे भारी उतार चढ़ाव के बीच इस शेयर ने 10% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में, उसके फाइनेंशियल के आंकड़े पर नजर डाल लेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उसके वीक पॉइंट्स की बात कर लेंगे, फ्यूचर प्लान्स, उसका फोकस क्या है इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि शेयर की टारगेट प्राइस कहाँ पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। डायनेमिक केबल्स लिमिटेड पावर इंफ्रा केबल्स की प्रोड्यूसर है दोस्तों, जिसमें LT, HT, HVC, पावर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, फ्लेक्सिबल और इंडस्ट्रियल केबल, सोलर केबल और रेलवे सिग्नलिंग केबल शामिल है। ये सरकारी डिस्कॉम, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, प्राइवेट EPC कॉन्ट्रैक्टर्स, इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट क्लाइंट्स को केबल की सप्लाई करती है। कंपनी के जयपुर और रिंगस में 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। बिजनेस ऑपरेशंस जयपुर में एक कॉरपोरेट ऑफिस और पूरे भारत में 5 रीजनल सेल्स ऑफिस के माध्यम से मैनेज किए जाते हैं। अगर की पॉइंट्स पर नजर डालें दोस्तों, तो इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं पहले। इस कंपनी की शुरुआत, ये कोई नई कंपनी नहीं है दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत ट्रांसफॉर्मर के लिए सुपर एनेमल्ड और DPC वायर्स के निर्माता या प्रोड्यूसर के रूप में 1986 में शुरू की गई थी। दोस्तों, 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है। 1995 में इसने ओवरहेड कंडक्टर्स का निर्माण शुरू किया, उसका प्रोडक्शन शुरू किया। 2007 में इसे डायनेमिक केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में नाम दिया गया दोस्तों, और कंपनी ने 5 साल पहले 2017 में अपने IPO के साथ आई और बाद में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायनामिक केबल्स लिमिटेड के रूप में कन्वर्ट होगी। अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात कर ले दोस्तों, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हाई टेंशन और लो टेंशन HT और LT जिसे कहा जाता है, मीडियम वोल्टेज क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन केबल 11 kV से 36 kV की मीडियम वोल्टेज एंड एरियल बंच्ड केबल, लो वोल्टेज एरियल बंच्ड केबल, बेयर कॉपर कंडक्टर, सोलर केबल, ये सारे प्रोडक्ट्स इसके पोर्टफोलियो में शामिल होते हैं दोस्तों। अगर ऑर्डर बुक की बात कर ले दोस्तों, तो पिछले साल तक कंपनी की ऑर्डर बुक 250 करोड़ रुपए के आसपास की थी, जिसमें से स्टेट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की कुल लोन बुक का सिर्फ 15% के आसपास का हिस्सा था, बाकी प्राइवेट कंपनियों से आता है। इन ऑर्डर्स का वितरण का कार्यक्रम या डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम है वो लगभग 4 से 6 महीने का है दोस्तों। साथ ही एक नजर डालेंगे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर। राजस्थान में कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो 3.5 लाख वर्ग स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 40,000 MTPA एल्यूमिनियम और कॉपर केबल के प्रोसेसिंग की क्षमता है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम नजर डालेंगे, कंपनी के क्लाइंट बेस पर। कंपनी के क्लाइंट्स में इंटरनेशनल लेवल के गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर शामिल है। इसमें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, तंजानिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, केनिया पावर एंड लाइटिंग कंपनी, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, महिंद्रा APC, LNT, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, APEC, वोल्टास, टाटा पावर, गोदरेज, BSES, बजाज, ऐसे काफ़ी सारे, अडानी, लार्सन एंड टुब्रो, ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स इसकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है दोस्तों, काफी बड़े बड़े क्लाइंट शामिल है। अब जल्दी से नजर डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए।
क्योंकि ऐसी ही बहुत सी नई नई शेयर्स के बारे में नई नई बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको मदद करेगी आपके इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी के अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 253 करोड़ रुपए की कंपनी है। स्टॉक की करंट प्राइस 115 रुपए है। 52 वीक का हाई जो है वो 154 रुपए है। 52 वीक का लो 42.6 रुपए का है। स्टॉक के पीई की बात करें तो 8 का स्टॉक का पीई है और इंडस्ट्री पीई 30.7 का है। इस पे हम जरूर बात करेंगे दोस्तों। डिविडेंड यील्ड, ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और 0.22 का इसका डिविडेंड यील्ड है। ईपीएस जो है वो 14 रुपए का है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो पिछले 10 सालों में 17%, 5 सालों में 13%, 3 साल का आंकड़ा थोड़ा सा निराशाजनक था 2% का है, लेकिन पिछले 1 साल में इसने काफी रिकवरी दिखाई है और 64% का इसका सेल्स ग्रोथ रहा है दोस्तों। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 10 साल के लिए 57%, 5 साल के लिए 31%, 3 साल के लिए 13% और पिछले 1 साल में 215% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर लेते हैं, 3 साल के लिए 50% और पिछले 1 साल के लिए 120% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल के लिए 18%, 3 साल के लिए 17% और लास्ट ईयर में 23% का आरओई दिखाया है इस कंपनी ने। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ले दोस्तों तो मार्च 2021 में कंपनी का नेट सेल्स 139 करोड़ रुपए था और नेट प्रॉफिट लगभग 6 करोड़ रुपए था। दिसंबर 2021 में नेट सेल्स बढ़कर 143 करोड़ रुपए हो गया और नेट प्रॉफिट बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो गया था। लगभग 50% की वृद्धि यहां पर देखी गई थी। मार्च 2022 में जरूर नेट सेल्स बढ़ाया है कंपनी का, 172 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई है। कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, इस वजह से ये कमी देखी गई है दोस्तों। आइए ईयरली रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। पिछले 4 सालों के इसके ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस पर नजर डाल ले तो मार्च 2019 में जहां इसका सेल्स 527 करोड़ रुपए था, वही इसका प्रॉफिट 21 करोड़ रुपए था। मार्च 2020 में सेल्स जरूर कम हुआ, 429 करोड़ रुपए। मार्च 2021 में सेल्स रहा 343 करोड़ रुपए और प्रॉफिट मार्च 2020 में 18 करोड़ और मार्च 2021 में 10 करोड़ रुपए रहा। बता दूं कि ये दोनों साल जो है वो कोरोना की मार से काफी प्रभावित हुए थे और सारी की सारी कंपनियां इन सालों में अपना प्रॉफिट जो है वो कम कर बैठी थी। लेकिन मार्च 2022 के अगर आंकड़े देखें तो कंपनी का टोटल सेल्स रहा है 564 करोड़ रुपए और मार्च 2021 में जहां 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, अब ये बढ़कर हो चुका है 31 करोड़ रुपए। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रॉफिट में लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है दोस्तों। फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पर अगर नजर डाल ले तो सितंबर 2021 में जहां इसमें सिर्फ 0.03% की फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी, वो दिसंबर में बढ़कर 0.05 और मार्च 2022 में बढ़कर 0.1% हो गई है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ के आंकड़े दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर। रिवेन्यू, कंपनी के रिवेन्यू 2020 में 429 करोड़ रुपए का था, जो कि 2021 में 429 करोड़ रुपए से घटकर 343 करोड़ रुपए हो गया। इसके जियोग्राफी वाइज रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन पर भी नजर डाल लेंगे। भारत से इसका 82% का रिवेन्यू जनरेट होता है और एक्सपोर्ट से 18% का रिवेन्यू जनरेट करती है दोस्तों कंपनी। इसके बाद अगर इसके की फैक्टर्स की बात कर ले तो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स और कंपनी के मेन फोकस एरियाज पर हम नजर डालेंगे। कंपनी को रेलवे सिग्नलिंग केबल के लिए कंपनी को RDSO से मंजूरी मिल गई है। कंपनी लगातार नए नए प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कर रही है। ईवी केबल और ऑटो केबल विकास के तहत नए प्रोडक्ट्स है जो अंडर डेवलपमेंट है। संचार केबलों में विविधता लाना कंपनी का मेन फोकस है, वो एक गोल है। इसके तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल इस कंपनी के रडार पर भी है दोस्तों। अगर कंपनी के एक्सपोर्ट्स पर नजर डालें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, टोटल सेल्स में एक्सपोर्ट का अनुपात पिछले साल में 18% हो गया। कंपनी एशियाई उपमहाद्वीप, अफ्रीका, मध्य पूर्व के कई देशों को निर्यात कर रही है। कुछ निर्यात देश का नाम अगर हम लें तो केनिया है, तंजानिया है, नाइजीरिया है, बेनिन, युगांडा, यूएस में भी सप्लाई करती है, नेपाल, मॉरिशस, अफगानिस्तान, जॉर्डन, दुबई, ऐसे काफ़ी सारे साउथ अफ्रीका, ऐसे काफ़ी सारे देश हैं, 40 कंट्रीज है जिनको ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है दोस्तों। आइए अब जान लेते हैं कि शेयर की टारगेट प्राइस के बारे में।
कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। स्पेसिफिक पीरियड की बात करें तो कोरोना के बाद कंपनी के परफॉर्मेंस में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। मार्च 2021 के मुकाबले मार्च 2022 के प्रॉफिट में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई। जैसा कि हमने देखा कि 10 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 करोड़ रुपए हो चुका है, तो 3 गुना हो चुका है दोस्तों। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन समझा जा सकता है कंपनी के ग्रोथ के बारे में। कंपनी अपने वीक पॉइंट्स पर काम कर रही है, जिसके तहत कंपनी नए नए जियोग्राफीज में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और अपने बिजनेस बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है दोस्तों। हमारा मानना है कि ये सारे फैक्टर आगे कंपनी के शेयर की प्राइस डिसाइड करने के लिए मुख्य कारण बनेंगे। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले बताया था, कंपनी का पी जो है वो 8% का है, 8 का है, लेकिन इंडस्ट्री पी लगभग 30% का है दोस्तों। तो उस हिसाब से ये कंपनी का शेयर अभी काफ़ी रिजनेबल रेट पर अवेलेबल है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में इसमें 34% की जरूर गिरावट आई है, लेकिन ये करेक्शन समझा जा सकता है क्योंकि काफ़ी उछाल आ चुका था इस शेयर के प्राइस में। तो ओवरऑल बीते दो साल में इतने शानदार रिटर्न के बाद इस कंपनी के शेयर पर बुलिश सेंटीमेंट रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अगले कुछ महीनों में लगभग एक साल में ये शेयर अपनी ऑल टाइम हाई को छू सकता है और 150 से 160 की लेवल छू सकता है, ऐसा हमारा मानना है दोस्तों। तो आज हमने देखा कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, इसके फाइनेंशियल और कंपनी के स्ट्रांग और वीक पॉइंट्स पर नजर डाली दोस्तों। साथ ही देखा कि कंपनी के शेयर पर की टारगेट प्राइस कहाँ सेट हो रही है। अगर आपके मन में इस कंपनी से जुड़े कोई सवाल है, इस शेयर से जुड़े कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा दोस्तों। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।